दोस्तों, ये वही एरोप्लेन है जिसमें मैंने पहली बार सफ़र किया है। दोस्तों, हर किसी का कोई ना कोई सपना रहता है। हवाई जहाज के अंदर यात्रा करना भी सभी लोगों का सपना रहता है, और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको एडी चोटी तक का जोर लगाना पड़ जाता है। लेकिन कुछ लोगों का सपना फिर भी पूरा नहीं हो पाता है। मेरे माध्यम से भी एक गलती हुई, मैंने गलती कर दी कि एरोप्लेन की यात्रा करने के बारे में सोच लिया। तो यदि ये गलती आपने भी की है तो डेफिनेटली आप भी एरोप्लेन की यात्रा जरूर कर पाएंगे। दोस्तों, गौतम बाली जी ने यही कहा है कि सोचने की हिम्मत तो करो। तो मैंने भी एक बार ये हिम्मत की थी और मैंने एरोप्लेन की अपनी यात्रा कर ली है। और इस यात्रा को करने के लिए जब मैं घर से तैयारी कर रहा था निकलने के लिए, तो मेरा बेटा भी तैयार था मेरे साथ में चलने के लिए। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, बोलता है पापा मैं भी साथ में चलूँगा। लेकिन मैं इस यात्रा में उसको नहीं ले जा पाया और जिद करके मेरी गोद में आके चढ़ गया। आप देख सकते हैं कैसा नाराज हो रखा है कि मैं भी हवाई जहाज की यात्रा करूंगा। तो दोस्तों, मैंने उसी दिन एक कमिटमेंट ले लिया था कि आज मैं इस यात्रा को करके आता हूं और अगली बार अपनी फैमिली को और अपने बेटे को भी इस यात्रा को जरूर कराऊंगा। तो यदि आप लोग भी एक सोचने की गलती कर देते हो तो अपने आप और अपनी फैमिली को हवाई जहाज की यात्रा जरूर करवा देते हैं। ये वही हवाई जहाज है दोस्तों जिसके अंदर मैंने यात्रा की है, और मैं पूरी अपनी एंटायर टीम को धन्यवाद देता हूं जिसके माध्यम से मैंने ये हवाई जहाज की यात्रा की है। मैं डीके बनर्जी अपने चैनल UCD वेस्टेज क्लब में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको इस तरह की जबरदस्त वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। दोस्तों, आपके हवाई जहाज की यात्रा के पैसे तो तभी पूरे हो जाते हैं जब आपकी बगल में आकर एक एयर होस्टेस कहती है, एक्सक्यूज मी सर, आप कुछ लोगे टी, कॉफी, वाटर, जूस? तो ये समझो आपके पैसे हो गए दोस्तों पूरे। दोस्तों, जब लोगों के सिर के ऊपर से हवाई जहाज निकल के जाता है तो हर आदमी एक सपना जरूर देखता है कि शायद मैं भी इसके अंदर बैठूंगा। लेकिन बैठता वही है जो सोचने की हिम्मत करता है। दोस्तों, वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि लोग इस सिस्टम को अलग अलग फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे कोर टीम के मेंबर है मिस्टर राजकुमार बर्मन जी। राजकुमार बर्मन जी वेस्टीज को पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं, वो अपने आप को डेवलप करने के लिए इस सिस्टम को करते हैं। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, वो अपने आप को इस सिस्टम के माध्यम से मेंटेन करके रखते हैं। राजकुमार जी पैसे के पीछे नहीं, पैसा इनके पीछे भागता है। दोस्तों, ये वेस्टीज पता नहीं कितने लाखों लोगों के सपने पूरे करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रही है। तो आप लोगों को मात्र एक गलती करनी है सोचने की। जिस लोगों ने या जिन लोगों ने ये सोचने की गलती कर ली, तो आप लोग भी एरोप्लेन की यात्रा करने से चूक नहीं पाओगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जो लोग भी एरोप्लेन की यात्रा करना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अपने पासपोर्ट को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि वेस्टीज बहुत जल्दी आपको यात्रा करवाने वाली है। ये जिंदगी आपको एक ही बार मिली है। लोग कहते हैं ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसी चीज को देखते हुए, इसी कमिटमेंट के साथ में अगली यात्रा आप लोगों के साथ में जरूर होने वाली है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एरोप्लेन के पास में जाने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आप शायद कोई सपना देख रहे हैं, और सपने दोस्तों उसी के पूरे होते जो खुली आंखों से देखते हैं। ये पूरी टीम जो मेरे साथ में है, इन्होंने भी एक सपना देखा था एरोप्लेन में बैठने का। दोस्तों, इन लोगों का ये सपना पूरा हो गया। आप देख सकते हैं ये एरोप्लेन की अंदर की फोटोग्राफ से कैसे सभी लोग खुशी के साथ में फूले नहीं समा रहे हैं, और एरोप्लेन के अंदर बैठने के बाद में ऐसा लगता है कि आप शायद ही कोई सपना देख रहे हैं। दोस्तों, सपने सभी के पूरे नहीं होते, सपने पूरे उसी के होते हैं जो सपने देखते हैं और जो उनको पूरी करने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं
तो सपने देखने पड़ेंगे, और सपने देखने के लिए आपको एक प्लान करना पड़ता है, और प्लानिंग करने के लिए आपके पास में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही आप एरोप्लेन की यात्रा करते हैं आसमान नीचे और आप आसमान से ऊपर, ये फोटोग्राफ वहीं के लिए हुए हैं जिसमें आप पूरे आसमान की फोटो देख रहे हैं। दोस्तों जमीन आपको ऐसे दिखाई देती है जैसे समंदर के ऊपर आप चल रहे हो। तो ये एक वेस्टेज का प्लेटफॉर्म है जो आपको इतने बड़े बड़े सपने पूरे करने का मौका देता है। और मैं एक बार फिर अपनी एंटायर टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ जिनके माध्यम से मैंने भी ये हवाई यात्रा की है। दोस्तों ये सभी वो लोग हैं जो एक साथ में हवाई जहाज की यात्रा करके अपने गंतव्य पर पहुँचे हैं, और वहाँ का आनंद लेते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि क्या फीलिंग हो रही होगी। दोस्तों हम अलग अलग बीच पे गए, और ये यात्रा एक या दो दिन की नहीं थी दोस्तों, पूरे 15 दिन की 2 वीक की यात्रा करके ये सभी लोग आए हैं। तो इसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, बस इसको फील कर सकता हूं। तो दोस्तों यदि आप भी ये काम करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको वही जो काम इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने सोचा है, बस सोचने की गलती की है कि हमको हवाई यात्रा करनी है, और इन लोगों ने ये यात्रा कर भी ली है। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करना, और उन लोगों के पास में इस वीडियो को सेंड जरूर कर देना जो लोग सपना देखने का हौसला रखते हैं, क्योंकि सब लोग सपने नहीं देख सकते। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल्थ।